हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन ऑनलाइन क्लास। आज हम क्लास इलेवेंथ के कोर्स के रिवीजन के रिव्यू एट ए ग्लैंस में बताना चाह रहे हैं। कई बच्चों की कंप्लेन थी कि वो अभी तक कोई क्लास नहीं ले पाए, तो उसमें से एडमिशन लेट तक होता रहा, इसलिए संभव नहीं हो पाया पहले से। तो अब आपको प्रॉपर एक रिव्यू कर देते हैं, जो प्रॉब्लम होगी आगे आप बताएंगे। वैसे हमने चैनल के माध्यम से हमने आपको एक ऑडियो की, सब संभव नहीं हो पाएगा, इसलिए हमने एक काम किया था ऑलरेडी कि आपको जो प्रॉब्लम होगी उसको बताएंगे। लेकिन संयोग रहा, ऑनलाइन हमने क्लास भी लेने का प्रयास किया गूगल मीट पर, जिसमें भी अटेंडेंस बहुत कम रही। तो हम सोचते हैं आपके पास एक ऐसा प्रूफ रहे जिसको जब चाहें आप अपने टाइम के अकॉर्डिंग, चाहे आपकी समय की व्यस्तता रही हो कोई, चाहे आपके पास संसाधन न रहे हों, तो ये संसाधन ऐसा है जो आपके पास हमेशा रहेगा। ये वीडियो आपके पास रहेगा, इसको देख करके आप अपना काम कर सकते हैं, नोट भी बना सकते हैं, तैयारी भी कर सकते हैं, इसके बाद भी करें। कोई अगर प्रॉब्लम आती है तो वेलकम है, यू आर फ्री फॉर ऑल टाइप ऑफ क्वेरीज, एनी टाइम आपको समय मिलते पर सलूशन दिया जाएगा। तो आज हम क्लास इलेवेंथ के फर्स्ट यूनिट की शुरुआत करते हैं, जिसका नाम है डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। ये जो हम बात कर रहे हैं आज फर्स्ट यूनिट की, डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड, इसमें फर्स्ट चैप्टर, इसके अंतर्गत तीन चैप्टर की जो बात है, इसमें जो चैप्टर्स हैं, फर्स्ट चैप्टर द लिविंग वर्ल्ड, सेकंड बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, थर्ड प्लांट किंगडम एंड फोर्थ एनिमल किंगडम। ये चार चैप्टर की स्टडी करनी है, लेकिन इन चार चैप्टर में से सबसे पहले हम डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड में फर्स्ट चैप्टर की चर्चा करें। इसके पहले आप जान लीजिए कि डाइवर्सिटी है क्या, एक्चुअली इसको जानते हैं। तो डाइवर्सिटी इन बायोलॉजी रिप्रेजेंट द वैरायटी ऑफ लिविंग बींग्स, डाइवर्सिटी रिप्रेजेंट द वैरायटी ऑफ लिविंग बींग। तो लिविंग बींग आप ये कह सकते हैं कितने टाइप के हैं, तो स्पेसीज जितनी हैं उतने टाइप के लिविंग बींग हैं। तो सिंपली ये कह सकते हैं कि स्पेसीज डाइवर्सिटी को रिप्रेजेंट करती है, लिविंग बींग की इसी डाइवर्सिटी को बायोडाइवर्सिटी भी कहते हैं। अब इस पर्टिकुलर चैप्टर में डाइवर्सिटी आपने समझ लिया, लिविंग बींग के बारे में स्टडी करनी है। अब लिविंग बींग के बारे में जो स्टडी करनी है, जो फर्स्ट चैप्टर आपका है, फर्स्ट चैप्टर का नाम है द लिविंग वर्ल्ड, और इस लिविंग वर्ल्ड में टॉपिक वाइज चलें तो ये जो आपको कंप्लीट करना है, व्हाट इज लिविंग, डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज एंड टैक्सोनॉमिकल एज। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज लिविंग बींग्स, तो लिविंग बींग का मतलब कि ऑल द ऑब्जेक्ट्स प्रेजेंट इन द यूनिवर्स, दुनिया में जितने टाइप के ऑब्जेक्ट हैं उनको आप ऑलरेडी दो कैटेगरी में डिवाइड कर चुके हैं, पहले से ही पढ़ चुके हैं, लिविंग एंड नॉन लिविंग। लिविंग मीन्स जिसमें लाइफ के करेक्टर हैं उन्हें हम लिविंग कहते हैं, जिनमें लाइफ का करेक्टर शो नहीं होता है उन्हें नॉन लिविंग कहते हैं। अब बात ये लाइफ के करेक्टर्स क्या हैं, तो लाइफ करेक्टर आर दोज फीचर्स विच आर परफॉर्म बाई द लिविंग बींग्स आर बाई द ऑर्गेनिज्म, किसी भी ऑर्गेनिज्म द्वारा या जिसमें लाइफ है, जिसमें लाइफ है वही लिविंग बींग है, और जो लिविंग बींग हैं वो लिविंग करेक्टर शो करते हैं। अब बात ये आती है कि वो लिविंग करेक्टर कौन से हैं, उन्हीं लिविंग करेक्टर्स को जान के आप कह सकते हैं ऑब्जेक्ट कोई लिविंग है या ना लिविंग है। क्वेश्चन है व्हाट इज लिविंग, तो आप कहेंगे जिसमें लिविंग करेक्टर्स हैं वो लिविंग हैं, तो देयर आर वेरियस करेक्टर्स विच इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ लाइफ आर एनी ऑब्जेक्ट इज लिविंग आर नॉन लिविंग। लेकिन उनमें से कुछ करेक्टर्स को जिनमें आपको जानना है उस सीक्वेंस में करते हैं आपकी बुक में। तो फर्स्ट है यहाँ पर जो शो किया गया है ये पॉइंट, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो, इसमें ग्रोथ होती है। अब ग्रोथ को लेकर के एक प्रॉब्लम ये आती है, कभी कभी कहते हैं कि नॉन लिविंग में भी ग्रोथ है, नॉन लिविंग में लेकिन जो भी ग्रोथ होती है वो एक्सटर्नल होती है, जैसे बिल्डिंग बन रही है, दीवार की लंबाई बढ़ रही है, उसमें ईंट लगाई जा रही है, या कभी कहीं पर माउंटेन बन रहा है, कहीं पर सॉयल का कलेक्शन हो गया, तो डिपोजिशन ऑफ एक्सटर्नल मटेरियल
डिपोजिशन आर कलेक्शन ऑफ द ब्रिक्स इन द वॉल, तो बाहर से कोई मटेरियल ऐड किया था तब ग्रोथ होती है, जबकि लिविंग बींग्स में जो ग्रोथ होती है वो इंटरनल होती है, सेल डिवीजन से होती है। तो ग्रोथ में नंबर ऑफ सेल और मास ऑफ द सेल बढ़ता है, तो इस ग्रोथ को कहते हैं इंटरनल। तो ग्रोथ नॉन लिविंग में भी अगर आप देखते हैं तो उसको लिविंग की ग्रोथ से अलग कर सकते हैं, कैसे कि एक्सटर्नल ग्रोथ और इंटरनल ग्रोथ। लिविंग बींग में ग्रोथ होती है और कैसी है, इंटरनल। तो फिलहाल आप ये कह सकते हैं कि ग्रोथ लिविंग का करेक्टर तो है, लेकिन एक्सटर्नल और इंटरनल जैसे जो कुछ डिफरेंसेज हैं इसके बेस पर प्रॉब्लम ये आती है कि किसको हम इस कैटेगरी में रखें। तो इसलिए जितने भी करेक्टर की चर्चा हमें करनी है इनको भी दो कैटेगरी में देखेंगे। जो करेक्टर कन्फर्म हैं जिसके बेस पर हम कह सकते हैं कोई लिविंग है कि लिविंग नहीं है, उस करेक्टर को कहते हैं कि ये डिफाइनिंग करेक्टर है, डिफाइनिंग फीचर है। और जो करेक्टर चेंज होता रहता है भले ही उसका मोड अलग हो जैसे ग्रोथ होता है, इसे कहते हैं डिफाइनिंग करेक्टर नहीं। सेकंड, रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन, प्रोडक्शन ऑफ न्यू वंस बाय द प्री एग्जिस्टिंग मेंबर, जो पहले से ऑर्गेनिज्म हैं उनकी कैपेसिटी होती है अपने जैसे अपनी संतान पैदा कर सकते हैं, इस प्रोसेस को कहते हैं रिप्रोडक्शन। जैसा यहाँ पर मेंशन है, लाइकवाइज रिप्रोडक्शन, लाइकवाइज करेक्टर, ये रिप्रोडक्शन लाइकवाइज इज ए करेक्टरिस्टिक लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो अपने जैसे ऑर्गेनिज्म ये प्रोड्यूस कर सकते हैं तो संतान यानी कह सकते हैं बन सकते हैं, तो ये करेक्टर हो गया रिप्रोडक्शन। अब यहाँ पर भी एक प्रॉब्लम है, कुछ ऐसे भी हैं लिविंग बींग्स जिनमें लिविंग करेक्टर्स तो सभी हैं, लिविंग हैं, लेकिन दे आर नॉट कैपेबल फॉर रिप्रोडक्शन। जैसे म्यूल एक वैरायटी है जो गधे और घोड़ी से संतान बनती है, वो लिविंग बींग है लेकिन वो स्टराइल होती है, फर्टाइल नहीं होती है, उसके संतानें नहीं होती हैं, तो हम कहते हैं रिप्रोडक्शन भी ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है, डिफाइनिंग फीचर नहीं है, डिफाइनिंग करेक्टर नहीं है। अगर और करेक्टर जो बहुत से हैं वो करेक्टर लिविंग बींग के हैं उसको हम लिविंग मानेंगे भले ही उसमें रिप्रोडक्शन ना हो, ये अलग बात है कि नॉन लिविंग में रिप्रोडक्शन नहीं होता है। तो इसका मतलब कि जिसमें रिप्रोडक्शन नहीं होता वो नॉन लिविंग है ऐसा ज़रूरी नहीं है, अगर उसमें लिविंग करेक्टर्स हैं और वो रिप्रोडक्शन नहीं करता है, बहुत से करेक्टर मिलते हैं तो उसको हम कहेंगे लिविंग है भले ही उसमें रिप्रोडक्शन नहीं है। एंड द करेक्टर ऑफ लाइफ इज मेटाबॉलिज्म, ये मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म क्या है? लिविंग प्रॉपर्टी को क्रिएट करने के लिए लिविंग बींग्स में बहुत से प्रोसेस चलते रहते हैं, बहुत सी एक्टिविटीज़ होती रहती हैं, उनमें से हम एक कहते हैं बहुत सी केमिकल रिएक्शन भी होती है। इन केमिकल रिएक्शन से लार्ज बहुत से मॉलिक्यूल है जिनका ब्रेकडाउन होता है, कई दूसरे कंपाउंड्स बनते हैं, कभी कभी स्मॉलर मॉलिक्यूल के बनने से लार्जर मॉलिक्यूल बनते हैं। तो ऑल दीज केमिकल रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन द बॉडी ऑफ लिविंग बींग कंबाइंडली कॉल द मेटाबॉलिज्म। तो मेटाबॉलिज्म इंक्लूड्स ऑल द केमिकल एक्टिविटीज़ अकरिंग इन द बॉडी ऑफ लिविंग बींग्स। और ये मेटाबॉलिज्म दो टाइप की होती है, जो इसमें सिंथेसिस होता है मॉलिक्यूल के बनने से, कोई ऐसे मॉलिक्यूल बने जो बॉडी पार्ट के फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं उसे हम कहते हैं एनाबॉलिज्म, और एक होता है कैटाबॉलिज्म जैसे रेस्पिरेशन है, ब्रेकडाउन होता है इसमें बॉडी का, अल्टीमेट वेट लॉस होता है, कम होता है। तो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन या रेस्पिरेशन कैटाबॉलिज्म है, या प्लांट में देखें फोटोसिंथेसिस होती है, तो फोटोसिंथेसिस एक एनाबोलिक प्रोसेस है। तो कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म कंबाइंडली फॉर्म द मेटाबॉलिज्म। तो अभी जो आपने जाना, एक हो गया लिविंग होने का करेक्टर, उसमें मेटाबॉलिज्म होती है, इसी तरीके इसके पहले आपने जाना था इसमें रिप्रोडक्शन होता है, और इसके पहले आपने जाना था इसमें ग्रोथ होती है। अब ये हाइलाइटेड जो लाइन है इसको आप कह सकते हैं कि हेंस एक है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, ऑल द लिविंग बींग्स आर मेड अप ऑफ सेल्स, सेलुलर स्ट्रक्चर पाई जाती है, और ये सेलुलर स्ट्रक्चर ही लिविंग प्रॉपर्टी क्रिएट करती है। ऑल द लिविंग बींग वेदर दे विल बी यूनिसेलुलर आर मल्टी सेलुलर आर मेड अप ऑफ सेल्स। तो सेल के बने होने की स्ट्रक्चर को ही कहते हैं सेलुलर स्ट्रक्चर, जो लिविंग बींग का फीचर है। एक और करेक्टर इसमें मेंशन है कॉन्सियसनेस। कॉन्सियसनेस को जाने इसके पहले आपको ये चीज़ जाननी है कि
स्टिमुलस के अगेंस्ट जो रिस्पांस कर सकते हैं, जैसे ठंडी पड़ रही है, गर्मी पड़ रही है, या लाइट और टेम्परेचर का इफेक्ट एनिमल पर पड़ता है, प्लांट पर पड़ता है, ये जो क्लाइमेटिक कंडीशन है, इन्वायरमेंटल सिचुएशन है, जिनके इफेक्ट से लिविंग बींग की बॉडी पर इफेक्ट पड़ता है, वो अपने प्रोसेस चेंज कर सकते हैं, उसके अगेंस्ट अपना रिस्पांस वो करते हैं। इन सभी फैक्टर्स को हम कहते हैं स्टिमुलस। आपने पहले जाना स्टिमुलस, स्टिमुलस लाइक लाइट, टेम्परेचर, रेन। तो स्टिमुलस के अगेंस्ट रिस्पांस लिविंग बींग कैसे करते हैं, तो ये जो रिस्पांस करने की कैपेसिटी है वो क्यों आती है, तो इसलिए आती है क्योंकि उसमें एक प्रॉपर्टी है, क्वालिटी है, दैट इज कॉन्शियसनेस। स्टिमुलस के अगेंस्ट जो रिस्पांस करने की कैपेसिटी है, दैट इज ड्यू टू कॉन्शियसनेस, मीन्स कॉन्शियसनेस इज द प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग बींग ड्यू टू विच दे कैन रिस्पॉन्ड अगेंस्ट द स्टिमुलस। ये तो वही है, यहीं पर एनसीईआरटी की बुक और नहीं कुछ कही, इसके अलावा आप पॉइंट जोड़ सकते हैं। लिविंग किसको कहेंगे, जिसमें करेक्टर्स होते हैं, करेक्टर्स जो हमने बता दिया, यहाँ पर ग्रोथ बताया गया, मेटाबोलिज बताई गई, सेलर स्ट्रक्चर बताया गया, लेकिन इसके अलावा आप कह सकते हैं इसमें रेस्पिरेशन होता है, सेल डिवीजन होता है, टिश्यू का फॉर्मेशन होता है, वो लोकोमोशन होता है, एक्सेट्रा। एनिमल प्लांट में, प्लांट्स में अगर देखें तो कुछ एडिशनल प्रॉपर्टी है, ट्रांसपिरेशन है, एब्जॉर्प्शन है, एसेंट ऑफ सैप है, डिफरेंट टाइप ऑफ करेक्टर्स। अब बात आती है सेकंड जो चर्चा आई थी, सेकंड पॉइंट चैप्टर का, डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। फर्स्ट हो गया व्हाट आर लिविंग बींग, सेकंड डाइवर्सिटी इन द लिविंग बींग, तो डिफरेंट वेराइटी ऑफ लिविंग बींग आर स्पेसीज रिप्रेजेंट द डाइवर्सिटी आर बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी टर्म, बायोडाइवर्सिटी रिप्रेजेंट द डिफरेंट टाइप ऑफ स्पेसीज। अभी जो डाटा यहाँ पर दिया गया, इसके अकॉर्डिंग जो नोन वेराइटी ऑफ लिविंग बींग है, जो स्पेसीज हैं, 1.7 to 1.8 million, मीन 17 से 18 लाख। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ हम बता देना चाहते हैं कि आज की डेट में इससे बहुत ज़्यादा स्पेसीज डिस्कवर हो गई हैं, लेकिन अगर डाटा जो इसके अकॉर्डिंग बताएंगे तो वो जो NCERT मेंशन आप उसी कहेंगे, तो अब ये हो गया कितनी ये स्पेसीज हैं। अब इस डाइवर्सिटी की स्टडी करने के लिए कुछ टर्म्स जानने हैं आपको, कि जिनको जान करके इजीली आपको मेंशन कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल नामनक्लेचर, आइडेंटिफिकेशन, सिमिलरली टैक्सोनॉमी, क्लासिफिकेशन, ये टर्म्स आते हैं जो बायोडाइवर्सिटी को स्टडी करने में हेल्प करते हैं, कैसे स्टडी कर सकते हैं। अब बात ये आती है कि व्हाट इज नामनक्लेचर। एक ही कंट्री के अलग अलग एरिया में एक अलग अलग लिविंग बींग को अलग अलग नाम से जाना जाता है, अलग अलग कंट्री के, तो बात ही छोड़ दीजिए। अब ऐसा है, सपोज किसी ऑर्गेनिज्म की स्टडी एक कंट्री में हुई, दूसरी कंट्री में उसको दूसरे नाम से जान रहे हैं, उन्होंने जान लिया, हमने अलग अलग स्पीसीज की स्टडी कर दी, जब कंबाइंड एक प्लेस पर आया तो पता लगा सेम था, तो इसलिए एक चर्चा आई कैसा कोई नाम हो जो पूरे ऑल वर्ल्ड जाया ना जाए, यानी ऑर्गेनिज्म को पर्टिकुलर नाम प्रोवाइड करना जो ऑल ओवर वर्ल्ड जाना जाए और वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड हो, तो कैसे नाम रखा जाए। यही द प्रोसेस टू प्रोवाइड स्पेशल नाम फॉर एनी लिविंग बींग नोन एज नामनक्लेचर। अब नामनक्लेचर से हो जाएगा, एक नाम हो जाएगा, वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड होगा। अब आइडेंटिफिकेशन क्या है, कि उसके करेक्टर से उसको कोरिलेट करना, जिससे उसका इजीली जाना जा सके, कि जब आइडेंटिफिकेशन कर लेंगे तब नामनक्लेचर करते हैं, तो आइडेंटिफिकेशन से पता लगता है कि पर्टिकुलर किस वैरायटी ऑफ लिविंग बींग की चर्चा हो रही है। अब नामनक्लेचर के लिए यहाँ पर टर्म आता है एक ICBN, ICZN, ये हमें जानना है व्हाट आर दीज। नामनक्लेचर आया, अब ये नामनक्लेचर कैसे किया जाए, किसी पर्टिकुलर लिविंग बींग को नाम कैसे दिया जाए, इसके लिए बाकायदे रूल रेगुलेशन बने, और ये इनिशियली जो रूल रेगुलेशन बना उसको एक बुक में लिख दिया गया, छानी कौन था, और उस ग्रंथ को नाम दिया गया इंटरनेशनल कोड फॉर बायोलॉजिकल नामनक्लेचर। उसमें सारे लिविंग बींग के नामनक्लेचर से रिलेटेड रूल रेगुलेशन मेंशन है, और वर्ल्ड वाइड वो वेल नोन है।
लेकिन बाद में लिविंग बींग का ये स्टडी होती रही, इतने ज़्यादा लिविंग बींग में जानकारी हुई, इतने स्पेसीज बन चुकी, तो एक बुक बने आज की डेट में तो नामन क्लेचर से रिलेटेड स्टडी के लिए ही बहुत से कोड बन गए। फॉर एग्जांपल यहाँ दो कोड मेंशन है जिसकी हम बात कर रहे हैं। एक कोड है ICBN ICZN, ICBN इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नामन क्लेचर एंड ICZN इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नामन क्लेचर। तो जूलॉजिकल का एनिमल का नाम रखने का सिस्टम जिस कोड में मेंशन है वही इंटरनेट ICZN है, और प्लांट्स का नाम रखने के लिए जो कोड बना है वही ICBN में मेंशन है। आज के डेट में ICBN है इंटरनेशनल कोड फॉर बैक्टीरियल नामन क्लेचर, ICVN है इंटरनेशनल कोड फॉर वायरल नामन क्लेचर। ये भले भूल जाए लेकिन ICBN और ICZN आपको जानना है। तो जो रूल रेगुलेशन बनाए गए उसके अकॉर्डिंग लिविंग बींग का नाम रखने के लिए एक सिस्टम बना कि ये जो नाम किसी का दिया जाए स्पेसिफिक जो वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड हो उसमें दो कंपोनेंट होते हैं। फर्स्ट कंपोनेंट जेनरिक नेम एंड सेकंड इज स्पेसिफिक नेम। दो वर्ड यूज किए जाते हैं ऑलरेडी आप जानते हैं, एक जेनरिक नेम विच रिप्रेजेंट द नेम ऑफ जीनस, सिमिलरली स्पेसिफिक एपिथेट या स्पेसिफिक नेम विच रिप्रेजेंट द नेम ऑफ स्पेसीज ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो किसी ऑर्गेनिज्म का जो इस सिस्टम पर बेस्ड नामन क्लेचर होगा उसमें दो वर्ड होंगे, एक उसके जीनस को रिप्रेजेंट करता है और एक उसके स्पेसीज को। चूँकि इस नाम में दो वर्ड यूज किए जाते हैं, दो वर्ड में नाम होता है, इसीलिए नामन क्लेचर के इस सिस्टम को बाइनोमियल सिस्टम ऑफ नामन क्लेचर कहते हैं, और इस पर जो नाम रखा गया उसे बाइनोमियल नेम कहते हैं, और इसी को बाइनोमियल नामन क्लेचर भी कहते हैं। बाइनोमियल नामन क्लेचर का मतलब नामन क्लेचर की वो टेक्निक जिसमें लिविंग बींग का नाम दो वर्ड से बना होता है, एक जीनस को रिप्रेजेंट करता है और एक स्पेसीज को रिप्रेजेंट करता है। अब बात ये आती है कि ये नाम रखने में और क्या प्रिकॉशंस हैं, किन बातों पर ध्यान दिया जाता है। तो फर्स्टली बात है कि यहाँ से जान सकेंगे, पहले जाने हैं कि ये ग्रीक या लैटिन से बने होते हैं, और प्रिंटिंग के समय इनको लिखते समय चूंकि लैंग्वेज से डिफरेंट होते हैं इसलिए इनको इटैलिसाइज कर दिया था, तिरछा लिखा जाता है। आप अगर लिखते हैं अपने हैंड राइटिंग में तो जीनस और स्पेसीज के नीचे अलग अलग अंडरलाइन कर देते हैं। तीसरी बात यह है कि लिखते समय जीनस के फर्स्ट लेटर को कैपिटल से लिखते हैं, स्पेसीज के सभी इस्माल से होते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर है मैंगी फेरा इंडिका, ये मैंगो का साइंटिफिक नेम है, तो साइंटिफिक नेम इस सिस्टम पर बाइनोमियल नामनक्लेचर पर बेस्ड जो नाम होगा उसी को साइंटिफिक नेम कहते हैं, चाहे एनिमल का हो चाहे प्लांट का हो। ये अलग बात है, अगर वो एनिमल का है तो उसे जूलॉजिकल नेम भी कहते हैं, अगर प्लांट का साइंटिफिक नेम है इसे बोटेनिकल नेम भी कहते हैं। तो ये प्लांट का है तो इसको आप साइंटिफिक नेम तो कह ही रहे हैं, बाइनोमियल सिस्टम पर बेस्ड नाम कह ही रहे हैं, लेकिन इसे कह सकते हैं मैंगी फेरा इंडिका में जो दो वर्ड हैं, फर्स्ट मैंगी फेरा इसका फर्स्ट लेटर यम कैपिटल से लिखा गया है, ये इसके जीनस को रिप्रेजेंट करता है, इंडिका इसके स्पेसीज को रिप्रेजेंट करती है। तो मैंगो के साइंटिफिक नेम या बोटेनिकल नेम में दो वर्ड जो यूज है मैंगी फेरा इंडिका में, मैंगी फेरा जीनस है, इंडिका स्पेसीज है। ऐसे ह्यूमन बींग के लिए होमो सेपियंस यूज करते हैं, होमो इसका जीनस है, सेपियंस इसकी स्पेसीज। अब आगे टर्म आते हैं क्लासिफिकेशन एंड द टर्म क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन इसको आप ऑलरेडी जान चुके हैं कि जितने लिविंग बींग हैं, बायोलॉजी का पर्पज है लिविंग बींग की स्टडी करना, लेकिन एक एक लिविंग बींग की स्टडी करना टफ ही नहीं है, इम्पॉसिबल है। तो क्या किया जाए, बायोलॉजी ना पढ़ी जाए या तो स्टडी ना की जाए। तो स्टडी करना भी है, एक एक का करना टफ ही नहीं इम्पॉसिबल है, तो क्या किया जाए। कहते हैं ना सांप भी मर जाए लाठी भी ना टूटे, तो क्या करते हैं, उसी का एक रास्ता है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन इज दैट प्रोसेस इन विच ऑर्गेनिजम्स आर कैटेगराइज इन डिफरेंट ग्रुप ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमिलैरिटी एंड डिसिमिलैरिटीज। अलग अलग ग्रुप में रख लेते हैं जीव को, अलग अलग ग्रुप बना लेने से उस ग्रुप का जो सिमिलर टाइप के होते हैं एक ग्रुप बना लिया गया, और अब एक की स्टडी करेंगे तो कॉमन करेक्टर्स कई के पता लग जाते हैं। तो स्टडी को इजी बनाने के लिए लिविंग बींग को ग्रुप में डिवाइड करना ही क्लासिफिकेशन है। मीन्स क्लासिफिकेशन इज दैट प्रोसेस विच
मेक द स्टडी इजियर। अब आगे आते हैं टैक्सा, एक वर्ड आ गया, इन दो वर्ड को जानेंगे, व्हाट इज टैक्सा एंड व्हाट इज टैक्सोनॉमी। टैक्सा इज द प्लूरल फॉर्म ऑफ टैक्सान, सिंगुलर में इसको टैक्सान कहते हैं, प्लूरल में इसी को टैक्सा कहते हैं। तो ये टैक्सा टर्म है जो ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म के लिए यूज किया जाता है। ऑर्गेनिज्म का ग्रुप हुआ, उसको हमने एक पर्टिकुलर नाम दे दिया, वो टैक्सा हो गया। फॉर एग्जाम्पल वाइड रेंज करते हैं ग्रुप ऑफ डिफरेंट प्लांट्स, तो प्लांट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एक लिविंग बींग की कैटेगरी को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये भी एक टैक्सान है। ऐसे एनिमल हमने कह दिया, ये क्लासिफिकेशन में डिफरेंट नेम से डिफरेंट ग्रुप को क्लासिफाई किया गया है, जिसको हम कहते हैं टैक्सान। तो टैक्सान इज द ग्रुप ऑफ लिविंग बींग, उसके अलग अलग अपने लेवल्स हैं जिसको जानेंगे अब बाद में और जानते भी हैं कुछ। अब आते हैं टैक्सोनॉमी, इस डिफरेंट क्लासिफिकेशन का वो टेक्निक जिसमें हम आइडेंटिफिकेशन और क्लासिफिकेशन की स्टडी करते हैं, एक ब्रांच है बायोलॉजी की। अब आपने कह दिया क्लासिफिकेशन इंपॉर्टेंट है स्टडी को इजी बनाने के लिए, तो स्टडी को इजी यानी क्लासिफिकेशन इज द प्रोसेस टू डिवाइडिंग द लिविंग बींग डिफरेंट ग्रुप्स टू मेक द स्टडी इजियर। उसके लिए कुछ तो रूल रेगुलेशन बनाए कि क्लासिफिकेशन कैसे किया जाए, नामन क्लेशर का कुछ रूल है उसमें क्या सावधानियां बरती जाएँ, तो नामन क्लेशर कैसे हो, आइडेंटिफिकेशन कैसे हो, क्लासिफिकेशन कैसे हो, इस सब की स्टडी के लिए बायोलॉजी की एक अलग ब्रांच बनी है जिसे कहते हैं टैक्सोनॉमी। तो टैक्सोनॉमी इज दैट ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी अबाउट द क्लासिफिकेशन एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ लिविंग बींग्स। अब एक अलग टर्म आता है सिस्टमेटिक्स, मेंशन सीधे द ब्रांच इन विच वी स्टडी अबाउट द लिविंग बींग्स थ्रू दियर सिस्टमेटिक अरेंजमेंट। ऐसे सिस्टम में हमको अरेंज करना जिससे उसकी स्टडी इजी हो जाए, तो उसमें कौन सी टेक्निक अडाप्ट की जाएगी, क्या सिस्टम अडाप्ट किया जाएगा, यही है सिस्टमेटिक्स। ये वर्ड सिस्टम लैटिन वर्ड सिस्टमा से डेराइव्ड है, जिसकी चर्चा कैरोलस लिनियस ने अपनी बुक सिस्टमा नेचुरे में ऑलरेडी किया है। अब बात आती है नेक्स्ट टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज। टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज या टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज क्या हैं, क्लासिफिकेशन के लिए जो डिफरेंट लेवल हैं। क्लासिफिकेशन में क्या होना है, जैसे किसी का हम एड्रेस बताते हैं, वो विलेज में रहता है तो उसका एड्रेस बताते हैं, विलेज का नाम देते हैं, पोस्ट बताते हैं, डिस्ट्रिक्ट बताते हैं, स्टेट बताते हैं। ऐसे ही अगर कोई सिटी में रहता है तो उसका हाउस नंबर बताते हैं, गली नंबर बताते हैं, मोहल्ला बताते हैं, फिर सिटी बताते हैं। ऐसे ही किसी भी लिविंग बींग का क्लासिफिकेशन उसके एड्रेस को रिप्रेजेंट करता है, उसकी पोजीशन कहाँ पर है उसमें टर्म यूज करते हैं। जैसे हमने कहा कभी डिस्ट्रिक्ट का नाम बताएंगे, पोस्ट का नाम बताएंगे, एरिया बताएंगे, तो बताते हैं वो जो स्टेप वहाँ पर यूज किया जाते हैं उन्हें कहते हैं टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। आप अपना एड्रेस बताने के लिए दूसरे वर्ड यूज करते हैं, यहाँ पर कहेंगे टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज, तो किसी एनिमल या प्लांट का एड्रेस टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज के बेस पर हम रिप्रेजेंट करते हैं, और लेबल जो कैटेगरीज का है वो कहलाता है टैक्सोनॉमिक हायरार्कीज। टैक्सोनॉमिक हायरार्की क्या है, क्लासिफिकेशन में जो डिफरेंट स्टेप यूज किए गए हैं। फॉर एग्जांपल आप कहते हैं किंगडम ये है, फाइलम ये है, क्लास ये है, ऑर्डर ये है, फैमिली ये है, दीज आर द टर्म्स विच आर यूज टू एड्रेस फॉर एनी लिविंग बींग, आर यू कैन से यूज्ड फॉर द क्लासिफिकेशन। डिफरेंट लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन आर डिफरेंट यूनिट्स ऑफ क्लासिफिकेशन लाइक स्पेसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास रिप्रेजेंट द टैक्सोनॉमिक हायरार्की। तो ये टैक्सोनॉमिक हायरार्की को रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये टैक्सोनॉमिक जो हायरार्कीज हैं उनकी एक एक की हम चर्चा करते हैं कौन है। तो बेसिकली देर आर सेवन कैटेगरीज, सेवन लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन। फर्स्ट लेवल, लोएस्ट लेवल इज स्पीसीज। टोटल डाइवर्सिटी को देखें, जितने टाइप के लिविंग बींग हैं वो अलग अलग स्पीसीज को रिप्रेजेंट करते हैं, तो स्पीसीज इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन।
हर स्पीसीज़ की स्टडी पॉसिबल नहीं है। तो हमने ये बताया कई स्पीसीज़ अलग अलग तो है ही हैं, बहुत से करेक्टर के अपने डिफरेंट हैं, लेकिन अगर उसमें ध्यान से देखें कुछ सिमिलैरिटी होगी। सिमिलर करेक्टर के बेस पर कई स्पीसीज को मिलाकर एक लार्जर ग्रुप तैयार करते हैं जिसे कहते हैं जीनस। तो स्पीसीज को मिला के जीनस बनता है, एक दूसरा टैक्सा है जिसमें स्पीसीज का कलेक्शन है। अलग अलग स्पीसीज की स्टडी टफ है, तो क्या किया गया, स्पीसीज को मिला के जीनस कर दिया गया। अब जब जीनस का करेक्टर जानेंगे तो वो करेक्टर कॉमन होगा सभी स्पीसीज में जो उस जीनस में आती हैं। तो इस तरीके से जीनस बन गया। अब ऐसे ही आपको और कम समय है, और कम समय में और ज़्यादा स्टडी करना चाहते हैं, ये अलग बात है, डेप्थ में नहीं जाना चाहते हैं, तो जीनस भी बहुत है, सब जीनस की स्टडी नहीं है, तो जीनस का एक लार्ज ग्रुप बनाते हैं। किस बेस पर? ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटी। तो कई जीनस के ऑर्गेनिज्म को एक अलग ग्रुप में रख देते हैं, लार्ज ग्रुप में रख देते हैं, दैट इज फैमिली। जीनस को मिला के फैमिली बना लिया। अब थोड़ा सा हम एक बार फिर रिवर्स होते हैं, जीनस के मिलने से फैमिली बनी, या थोड़ा रिवर्स में चलिए तो फैमिली को कई जीनस में डिवाइड कर सकते हैं। इसमें दो टर्म पर ध्यान देना है। जब स्मॉलर ग्रुप से लार्ज ग्रुप बनता है तो क्या होता है, लार्ज ग्रुप से स्मॉलर ग्रुप बनाते हैं, उसको डिवाइड करते हैं, किस बात पर ध्यान देते हैं, स्मॉल से लार्जर बनाते हैं। जीनस से फैमिली कैसे बनी, अलग अलग जीनस को सिमिलर करेक्टर के बेस पर लार्ज ग्रुप फैमिली में रख देते हैं। यानी फैमिली इज द कलेक्शन ऑफ जीनस ऑन द बेसिस ऑफ दियर सिमिलैरिटी, वेयर एज फैमिली कैन बी डिवाइडेड डिफरेंट जीनस ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंस एमंग द ऑर्गेनिज्म ऑफ सेम फैमिली। एक ही फैमिली के जो ऑर्गेनिज्म हैं, सिमिलैरिटी है तभी एक फैमिली में, लेकिन जो उसमें डिफरेंसेज हैं तो डिफरेंसेज के बेस पर इसको अलग अलग जीनस में रख दिया। फिर से दूसरे ढंग से कहते हैं, जीनस को सिमिलैरिटी के बेस पर एक ग्रुप बनाते हैं, फैमिली कह देते हैं, और फैमिली में जो मेंबर हैं उनको डिफरेंसेज के बेस पर अलग अलग ग्रुप में रख देते हैं जिसे जीनस कहते हैं। तो जितनी यूनिट हैं सबको डिफाइन करने के लिए सहारा लेना है कि किसके मिलने से, किस स्मॉलर ग्रुप के मिलने से लार्जर बनता है, या वो लार्जर ग्रुप दूसरे किस कैटेगरी से बनता है। दूसरा एग्जाम्पल आर्डर की बात आती है, तो ऐसे कई फैमिली को मिलाकर उनकी सिमिलरिटी के बेस पे एक आर्डर में रख देते हैं, और आर्डर का जो करेक्टर होगा वो सभी फैमिली में पाया जाएगा। और ऐसे ही एक आर्डर में जितनी फैमिली हैं, सिमिलर करेक्टर कुछ तो है ही हैं, लेकिन उनकी कुछ अलग अलग फीचर हैं, तो उस डिफरेंस के बेस पर आर्डर को अलग अलग फैमिली में डिवाइड कर देते हैं। ऐसे जो दूसरी हायर कैटेगरी है, आर्डर के मिलने से क्लास, क्लास के मिलने से फाइलम, और फाइलम से किंगडम। तो यहाँ पर जरा फिर एक बार ध्यान दीजिए, ये जो चार्ट बना हुआ आपका, ये यहाँ पर ध्यान देना है, किंगडम, फाइलम आर डिवीजन, क्लास, आर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज, एक सीक्वेंस, ऐसी सीक्वेंस में आपको नाम जानना है। तो टोटल नंबर देखते हैं, 7 यूनिट्स हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो ये जो टैक्सोनॉमिक कैटेगरी है ये 7 हो गई। इसमें कहा जाता है व्हाट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, तो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन इज स्पीसीज, एंड किंगडम इज द लार्जेस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। तो किंगडम को कई फाइलम में, एक फाइलम को कई क्लास में, एक क्लास को कई आर्डर में, आर्डर को फैमिली में, फैमिली को जीनस में, जीनस को स्पीसीज में डिवाइड करते हैं। और अगर कंबाइन करें तो कई स्पीसीज को कंबाइन करके एक जीनस बनाते हैं, जीनस को कंबाइन करके फैमिली, फैमिली को कंबाइन करके आर्डर, आर्डर से क्लास, क्लास से फाइलम, फाइलम से किंगडम बनता है। तो ये यूनिट्स हैं, स्पीसीज इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, इट वाज फर्स्ट ऑफ ऑल मेंशनड बाई जॉन रे, साइंटिस्ट थे जॉन रे, जिन्होंने सबसे पहले स्पीसीज वर्ड को यूज किया। अब यहाँ पर ये जो आपने नामन क्लेचर समझा और क्लासिफिकेशन देखा, उसमें एक बात आती है, टेबल दिया गया है, टेबल 1.1, ये ऑर्गेनिज्म विद्य टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज, इसका क्लासिफिकेशन दिया गया है। लिविंग बींग का नाम यहाँ कॉमन नेम दिया गया है, ये फिर यहाँ पर बायोलॉजिकल नेम है,
फिर इसका एक क्लासिफिकेशन है, इसमें जीनस क्या है, फैमिली क्या है, आर्डर क्या है, क्लास क्या है, फैमिली क्या है। तो इसमें से आपको ये चार्ट चाहे साइंटिफिक नेम सबके हैं, साइंटिफिक नेम मीन्स साइंटिफिक नेम, बायोलॉजिकल नेम एक ही वर्ड है, बायनामियल नामन क्लेचर के अकॉर्डिंग वही नाम है, एनिमल के नाम को जूलॉजिकल नेम, प्लांट्स को बोटेनिकल नेम कहते हैं, तो ये नाम यहाँ पर दिया गया है। तो सबका नाम तो आप नहीं याद कर सकते, ना जरूरी ही है, लेकिन ये टेबल ध्यान दीजिएगा, इसमें मैन, हाउसफ्लाई, मैंगो, वीट चार के नाम दिए गए हैं। तो बेटा अगर पॉसिबल है तो याद कर लो, और पॉसिबल ना भी हो तो कोशिश करो, कोशिश करके पूरा क्लासिफिकेशन नहीं याद होगा तो जनरली पूछा जाता साइंटिफिक नेम, बायोलॉजिकल नेम होमो सेपियंस, जिसमें जीनस होमो और फैमिलीज की लिखी गई है होमोनिडी, तो आप फैमिली जरूर जान लीजिएगा, इस लेवल तक जानना जरूरी है। बायोलॉजिकल नेम क्या है, साइंटिफिक नेम क्या है, मैन का, हाउस फ्लाई का, मैंगो का, वीट का, और साथ साथ इसका जीनस क्या है, ये नाम में जान जाएंगे, फैमिली क्या है दोनों पता लग गया। जब आपने नाम जाना, साइंटिफिक नेम आप जब जानते हैं, होमो सेपियंस जाना, तो आपने दो चीज़ जान लिया, फर्स्ट वर्ड जीनस क्या है, स्पीसीज क्या है, जीनस लिखी गई है, ना लिखा होता कोई बात नहीं, आप इसमें जो फर्स्ट वर्ड है उसी को जीनस मान लीजिए। ऐसे हाउस फ्लाई का मस्का डोमेस्टिका है, तो मस्का जीनस है और डोमेस्टिका इसकी स्पीसीज है, तो जीनस और स्पीसीज जान जाएंगे बायोलॉजिकल नेम से इसके, और फैमिली जान लीजिएगा, इधर जान पाए तो अच्छी बात है, तो फैमिली जानिएगा। तो इस टेबल को सीरियसली लेंगे, इसमें से क्या जानना है, साइंटिफिक नेम ऑफ दीज फोर कैटेगरी ऑफ लिविंग बींग्स एलॉन्ग विद दियर फैमिली, नाम जानेंगे, फैमिली जानेंगे, तो जीनस और स्पीसीज ऑटोमेटिक जान जाएंगे। अब नेक्स्ट एंड लास्ट पार्ट आता है इस चैप्टर का रिव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से, टैक्सोनॉमिकल एड्स। अब लिविंग बींग की स्टडी करने के लिए जो भी डिवाइस, जितने भी रिसोर्सेज हेल्प कर सकते हैं, स्टडी करने का मतलब उसका आइडेंटिफिकेशन, उसका नामन क्लेचर, उसका क्लासिफिकेशन, ये करने में जो रिसोर्सेज हेल्प कर सकें, जो टूल्स हेल्पफुल होते हैं, वही सब टैक्सोनॉमिकल एड्स। अब टैक्सोनॉमिकल एड्स में कुछ एड्स को आपको जाननी है, और ये इम्पॉर्टेंट भी है, पूछा भी जाता क्या है, उनको आपको बताना है। तो फर्स्ट टैक्सोनॉमिकल एड की बात करते हैं, ये है हर्बेरियम। हर्बेरियम क्या है, हर्बेरियम इज ए स्टोर हाउस ऑफ कलेक्टेड प्लांट स्पेसिमेन दैट आर ड्राइड। तो इसमें क्या करते हैं, प्लांट अगर इस्तेमाल है तो होल बॉडी को, टोटल प्लांट को, और नहीं तो उसके पार्ट को, अलग अलग लीफ को, फ्लावर को, उसकी रूट को रिप्रेजेंट करने को अलग अलग ले करके उसको पेपर से प्रेस करके रख देते हैं, सुखा देते हैं, वो सीट पर लग जाता है। तो मार्केट में काफ़ी हर्बेरियम सीट भी आती है, जैसे फाइल आती है प्रैक्टिकल वाली, उसका पेज थोड़ा मोटा होता है, तो वो हर्बेरियम में सजा लेते हैं। तो जो किसी प्लांट को नहीं देखा, जैसे प्लांट को आप देखते हैं, उसको आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, स्टेम से नहीं उसको आइडेंटिफाई करते हैं, कुछ को स्टेम देखते हैं, ज़्यादातर उसकी लीफ कैसी है वही पहचान, जैसे किसी का चेहरा पहचानते हैं तो फेस से ही इसको जान जाते हैं, उसकी बॉडी से नहीं पहचानते हैं, यहाँ तक कि फैमिली मेम्बर भी हो सकता है ना पहचान पाए, अगर ये देखते हैं कि चेहरा उसका ना देख पाए। साइकिल में देखिए, सीट कवर से पहचानते हैं, उसके हैंडल से पहचानते हैं, कभी कभी अगर होता है इसको हटा दें थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है। ऐसे ही प्लांट में जो आइडेंटिफिकेशन का मेन पॉइंट है वो लीफ है, तो लीफ को, स्टेम को, फ्लावर को प्रेस करके रख देते हैं, तो जिस प्लांट को कोई देखा नहीं है वो उस हर्बेरियम की हेल्प से जान सकता है। तो हर्बेरियम एक ऐसा रिसोर्स है, एक टैक्सोनॉमिकल एड है, जिसकी हेल्प से डिफरेंट प्लांट की स्टडी की जा सकती है हर्बेरियम के थ्रू, जिसको नहीं देखे हैं। अब दूसरा टैक्सोनॉमिकल एड है बोटेनिकल गार्डन, एंड थर्ड इज म्यूजियम। तो आते हैं बोटेनिकल गार्डन से क्या है, बोटेनिकल गार्डन्स ऐसे प्लेस हैं जहाँ डिफरेंट प्लांट की वैरायटी होती है, उस पर्टिकुलर एक जगह पर जा करके हम डिफरेंट वैरायटी को हम देख सकते हैं। कई टाइप के आपके आसपास भी प्लांट्स हैं, ट्रीज हैं, उनकी स्टडी तो कर सकते हैं, दूसरी जगह दूसरे हैं, लेकिन वो एक सेंटर जहाँ पर बहुत से प्लांट्स की वैरायटी को देख सकते हैं, तो वो बोटेनिकल गार्डन है। कलेक्शन वहाँ पर प्रयास भी किया जा रहा है, जो नेचुरली आए हैं
जो नेचुरल प्लांट्स हैं वहाँ पर कुछ को इम्पोर्टेड करके नए सिरे से उसको भी ग्रो कर लेते हैं तो एक सेंटर बन जाता है। ऐसे सेंटर को बोटेनिकल गार्डन कहते हैं। कुछ फेमस बोटेनिकल गार्डन्स हैं उसमें से एक नाम कभी कभी पूछा भी जाता है कि राइट द नेम ऑफ एनी बोटेनिकल गार्डन सिचुएटेड इन इंडिया। यहाँ पर एक फेमस बोटेनिकल गार्डन का नाम ये दिया गया है, इसको जान लीजिए। ये है ये ऐसे ये इस पॉइंट को जान देंगे। ये है द फेमस बोटेनिकल गार्डन आर एट क्यू, इंग्लैंड में है। इसी तरीके से इंडिया का एक है बोटेनिकल गार्डन, इंडियन बोटेनिकल गार्डन हावड़ा, ये जान जाएंगे। ये दो बोटेनिकल गार्डन, एक ये हो गया और एक इंडिया का हो गया। तो यहाँ पर क्या, इंडियन बोटेनिकल गार्डन हावड़ा ये हो गया, इंडिया में है और नेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में भी है। ऐसे ही ये क्यू इंग्लैंड का। अब आते हैं म्यूजियम। तो बायोलॉजिकल म्यूजियम आर जनरली सेटअप ऑफ एजुकेशनल सेशन सच एज स्कूल एंड कॉलेज। म्यूजियम हैव कलेक्शन ऑफ प्रिजर्व प्लांट्स एंड एनिमल स्पेसिमेन फॉर स्टडी ऑफ रेफरेंस। जैसे आपने प्लांट की स्टडी बोटेनिकल गार्डन में इसके लिविंग स्टेट में जा करके कर लिया, हर्बेरियम में उसको ड्राइड और प्रेस करके रखते हैं, ऐसे म्यूजियम में भी प्लांट और एनिमल के बॉडी को डेड स्टेट में प्रिजर्व करके जिससे वो बेकार ना हो रखे जाते हैं। मौका मिलेगा आप आएंगे लैब में या जहाँ दूसरी जगह आप देख रहे होंगे, जहाँ पढ़े हैं पता नहीं था कि नहीं था, तो यहाँ पर आएंगे आपको कई एनिमल देखने को मिलेंगे। और जैसे कुछ तो देखे ही हैं वो हैं, और कुछ लिविंग बींग ऐसे इनका नाम सुनते रहे लेकिन देखे नहीं। जैसे यहाँ पर स्टार फिश आपको देखने का मौका मिलेगा हमारी इस लैब में। इसी तरीके से एस्केरिस है, अर्थवर्म है, अर्थवर्म तो देखे ही है, तो स्टार फिश है, एस्केरिस है, या एम्ब्रियानिक डेवलपमेंट के फ्राक के जो डिफरेंट स्टेज हैं इसके लार्वा को, टाइटपोल को ये देखते हैं। तो आपने ये तीन टैक्सोनॉमिकल एड जाना। फर्स्ट हो गया हर्बेरियम, जिसमें प्लांट पार्ट्स को या होल पार्ट को प्रेस और ड्राइड करके रखते हैं। सेकंड हो गया बोटेनिकल गार्डन, जिसमें लिविंग ट्रीज को, प्लांट्स को देखते हैं। और म्यूजियम एनिमल और प्लांट पार्ट को प्रिजर्व करके रखा जाता है। प्रिजर्व करने का मतलब है कि वैसे फार्मेलिन जैसे प्रिजर्वेटिव में रखा जाता है तो बेकार ना हो, ऐसे जूलॉजिकल पार्क्स हैं। जैसे प्लांट की स्टडी के लिए आपने बोटेनिकल गार्डन का नाम दिया, ऐसे जूलॉजिकल पार्क्स होते हैं जहाँ एनिमल की वैरायटी देखने का मौका मिल जाता है, वहाँ से स्टडी कर सकते हैं, आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। जैसे बहुत से जू हैं वहाँ जाते हैं, एनिमल्स की वैरायटी पाई जाती है। तो जूलॉजिकल पार्क भी एक टैक्सोनॉमिकल एड हो सकती है। नेक्स्ट एंड लास्ट है की, लास्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट टैक्सोनॉमिकल की एड इज की। की क्या है? क्लासिफिकेशन के लिए, आइडेंटिफिकेशन के लिए, डिफरेंट ग्रुप ऑफ लिविंग बींग की स्टडी के लिए हम जो बेस डिसाइड करते हैं। बेस डिसाइड करने का मतलब ये है, सपोज लिविंग बींग का ग्रुप है, आपने कह दिया, आपने न्यूट्रिशन के बेस पर उसको डिवाइड किया, ऑटोट्रॉपिक है, हेटरोट्रॉपिक है, तो न्यूट्रिशन क्या हो गया, की पॉइंट फॉर द क्लासिफिकेशन। सिमिलरली सेट ऑफ करेक्टर्स, ऐसे ही करेक्टर्स जिस बेस पर क्लासिफिकेशन करते हैं या स्टडी को इजी बनाने के लिए जिस पॉइंट का हेल्प लेते हैं वही होता है टैक्सोनॉमिकल की। तो ये रहा पूरी तरीके से रिव्यू एट ए ग्लैंस ऑफ फर्स्ट चैप्टर। ऐसे ही जल्द ही हम प्रयास करेंगे सेकंड चैप्टर भी आपको शॉर्ट बता दें। हाँ, इसके बाद भी अगर आप कोई प्रॉब्लम फेस करते हैं तो वो हमसे शेयर करेंगे। और ऑलरेडी यूट्यूब चैनल पर अभी हम बहुत एक्टिव तो नहीं हैं लेकिन वो आ चुके है, तो उस पर हम प्रयास करेंगे। सब बताना संभव नहीं है, टाइम लगेगा, तो इसलिए जो प्रॉब्लम आपकी हो वो करते हैं। तो धन्यवाद। ओके।